हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति जेटली आज अपनी नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम साउथ इंडियन स्टाइल स्ट्रीट फूड चना दाल बड़े बना रहे हैं। चलिए हम बनाना शुरू करें। 250 ग्राम मैंने चना दाल ली है। चना दाल को हमने रात भर भिगा कर छोड़ दिया था। ये अच्छी तरह फूल चुकी है, आप हाथ में लेकर देखें, इस तरह दब रही है। इसे हमने ग्राइंडर जार में डाला। उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे। सबसे पहले मैंने एक चम्मच इसमें खड़ा धनिया डाला, एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार, जितना आप तीखा पसंद करती हूँ, नमक अपने अकॉर्डिंग डालें। इन सभी को हमने पीसना है। उससे पहले हमने कुछ करी लीव्स डाले हैं इसमें। 2 चम्मच हम इसमें चावल का आटा डालेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप 2 चम्मच सूजी भी डाल सकती हैं। उसके बाद हमने इसमें काला नमक भी डाला है थोड़ा सा। इसे हमने ग्राइंडर जार में हल्का पानी डालकर पीसा है। किसी तरह दरदरी होनी चाहिए ये दाल, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बैटर पतला नहीं होए। अब इसमें हम प्याज मिला रहे हैं बारीक चॉप किए हुए, हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ। 1 चम्मच हम इसमें गरम सरसों का तेल डालेंगे, इससे इसका स्वाद दुगना हो जाएगा। अब हम इस बैटर को अपने हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हाथों से ही हमने दबा दबा कर मिक्स करना है। एक बॉल लिया हमने, हाथों में हल्का सा तेल लगा लेंगे और इसे इस तरह बड़ों का शेप देंगे। इसी तरह सभी बड़े तैयार करेंगे। हमने कुछ तैयार कर लिए। इसे हमने सरसों के तेल में बनाना है। तेल हमारा पहले से गर्म था, प्री हीट था। उस डालते वक्त हम इसकी आँच मीडियम कर लेंगे और इसे सेकेंगे अच्छी तरह। दोनों तरफ अच्छे क्रिस्पी करेंगे, गोल्डन ब्राउन हो जाने चाहिए। दोनों तरफ से अच्छी तरह हमारे सिक चुके हैं। अब हम इन्हें निकालेंगे। बड़ों के लिए हम चटनी बनाएंगे। 1/2 कटोरी हमने डेसिकेटेड नारियल लिया है, आप फ्रेश नारियल भी ले सकती हैं। उसके बाद हमने इसमें धनिया डाला, पुदीना थोड़ा सा डंडियों के सहित ही डालें, ज़्यादा डंडियाँ हटानी नहीं है इसमें। हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे आप। इसमें मैंने मैंगो पल्प डाल रही हूँ मैं, ये सूखे हुए पल्प हैं, मैंने सुखा कर रखे हुए थे वो डाले हैं। आप इसकी जगह इमली डाल सकती हैं, नींबू डाल सकती हैं, ये आपकी च्वाइस है। इसमें मैंने जीरा डाला 1/2 चम्मच, काली मिर्च 1/2 चम्मच। चटनी हमारी पिसकर तैयार। बड़ों के साथ हमने चटनी सर्व की है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बड़े बनते हैं। आपने देखा चने दाल के बड़े बनकर तैयार हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।